हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? यस, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 70 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 70.1। आज हम इस एक्सरसाइज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है द एवरेज वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए ऑफ ए क्लास इज 51 केजी, वेयर इज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 54 केजी। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। ये कह रहा है कि क्लास है जिसमें दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी। ए सेक्शन में 25 स्टूडेंट्स हैं और उसका एवरेज कितना है 51 केजी, यानी 25 स्टूडेंट जो सेक्शन ए में है उसका एवरेज कितना बता रखा है 51 केजी। यहां आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 25, तो एन आपको मिल गया यहां 25। एवरेज वैल्यू से क्या रखा है, यानी कि यहां एक्स बार आपके आया है 51 केजी। अब कह रहा है कि सेक्शन बी क्लास में ये सेक्शन बी में स्टूडेंट कितने हैं 35, और 35 स्टूडेंट का एवरेज बताया था 54 केजी। तो इसका मतलब यहां सेकंड कंडीशन है, इसको अगर हम y से रिप्रेजेंट करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है y मतलब n, n यहां हो गया 35 और y बार जो होगा वो हो गया 54 केजी। यहां x बार है 51 केजी, y बार है 54 केजी। अब कह रहा है टोटल स्टूडेंट्स यानी 60, 25 और 51, 25 और 35 है, ये दोनों का जो है करेंगे तो कितने स्टूडेंट 60। 60 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा वो आपको बताना है। पहले अलग-अलग सेक्शन का अलग-अलग बताया गया था एवरेज, अब हमें टोटल बताना है यानी 60 स्टूडेंट्स का एवरेज हमें यहां फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या होने है, एक बार इधर सॉल्व किया है, एक बार सेकंड कंडीशन के लिए ये सॉल्व किया है। तो सबसे पहले वो n इक्वल दे रखा था 25, x बार है 51 केजी। अब हम x बार बार का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा x अपॉन n, तो वैल्यू रखेंगे इसमें तो x बार की जगह 51, सिग्मा x की जगह ऐसे लिखेंगे और n की जगह लिखेंगे आपको 25। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके 1275, यानी कि सिग्मा x i यानी 25 स्टूडेंट का जो सम होगा वो आएगा 1275। अब हमें सेकंड कंडीशन के लिए n आपको बता रहा है यहां 35 लिख दिया और एवरेज वैल्यू से बता रहा है 54, y बार होगा 54 के जी का। ये वैल्यू से पूरी की फॉर्मूले में y बार फॉर्मूला लगा दें तो फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n2 करेंगे के बाद वैल्यू आएगी 1809। ये दोनों वैल्यू आई है 25 स्टूडेंट की आई और ये 35 स्टूडेंट की आई, इनका दोनों का सम आया है। अब हमें 60 स्टूडेंट का अगर एवरेज निकालना है तो दोनों का सम अपॉन टोटल स्टूडेंट, तो दोनों का सम करेंगे तो फॉर्मूला आएगा इस तरह सिग्मा एक्स आई अपॉन प्लस सिग्मा वाई आई अपॉन टोटल स्टूडेंट यानी कि 60। इसकी 25 स्टूडेंट का जो सम है वो बता रहा था 1275, 35 स्टूडेंट का सम बता रहा था 1890, दोनों की वैल्यू पुट करके अपॉन 60 लिखेंगे और दोनों का एड करेंगे, एड करेंगे तो आपको आएगा 3165/60। तो पहले इसको हम कट करेंगे तो मैंने जैसे 5 के ऊपर से कट किया ये 12 आया, ये 5 के ऊपर से कट किया तो 633 आया, वापस इसको 3 के ऊपर से कट किया तो ये 211 आया, ये 3 के ऊपर से कट किया तो 4 आया। इसमें इसका डिवाइड किया 65 डिवाइड किए तो 52.75 केजी ये 60 स्टूडेंट का एवरेज आ जाए। जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा था कि 60 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, पहले अलग अलग बता रखा था 25 का फिर 35 का, अब हमें टोटल पूछा है तो उसका एवरेज आया 52.75 केजी आया। अब ऐसा कैसे कि मैंने क्वेश्चन और लिया है तो थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 24, यानी कि 13 नंबर जो दे रहे हैं उन 13 नंबर के सम आपको पहले से कहा उसका एवरेज पहले से बता रखा 24। अब वो 13 नंबर कौन कौन से ये आपको पता नहीं है लेकिन टोटल आपका जो बता रखा है वो 13 है और उसका एवरेज 24। फिर लिखा है इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, अब आपको क्या
फिर 13 स्टूडेंट का जो सम जो आएगा इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो आएगा 312 आएगा, यानी 13 स्टूडेंट का जो सम आया वो आएगा 312, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब आगे जो मैंने कहा है कि प्रत्येक नंबर में ईच नंबर में आपको 3 नंबर ऐड करना है, यानी पहले वाले नंबर में भी 3 ऐड करना, दूसरे वाले में भी करना है 3 ऐड, और इसमें से लास्ट वाला 13 वाला है उसमें भी 3 ऐड करना है। तो मैंने इसको वाई आई नाम दिया, तो वाई आई का जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो इस तरह से होंगे, एक्स प्लस 3 पहला वाला, एक्स एक्स 2 प्लस 3 दूसरा वाला, एक्स 3 प्लस 3 तीसरा वाला, इस तरह से हम चलते जाएंगे तो लास्ट वाला आएगा एक्स 3 प्लस 3। इसमें नंबर भी टोटल 13 है, इसका वाई आई का फॉर्मूला लगाएंगे वाई बार इक्वल्स सिग्मा वाई आई, ये मैंने सबको एक कर दे दिया अब और थर्टी लिखा। अब यहाँ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स थर्टी इस तरह से ये कॉमन ये अलग लिख लेंगे हम, और सब में तीन 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 एड हो रहे हैं, तो ये तीन तीन कितनी बार है 13 बार है, 13 बार है, तो मैंने 3 × 13 कर दिया। ये मेरी जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से मिल रही है, क्योंकि ये 312, तो इसकी जगह हम 312 की इसको इसे इंटू करेंगे तो 29 आएगा, अपॉन 13 करेंगे दोनों का सम करेंगे 350 हो रहा है, अपॉन 13 इसमें डिवाइड करिए 27, यानी कि नया जो मीन आएगा इसको वाई पार से लिखा गया है, नया मीन जो आएगा वो आएगा 27 आएगा। इस तरह से पहला वाला मीन जो भी है उसमें अगर 3 ऐड कर लेते हैं तो नया मीन जो पूछा वो आपका कितना आएगा 27 आएगा। इस तरह से हमने 70.1 जो एक्सरसाइज पढ़े थे इसके इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन किए हैं, और आगे की वीडियो में हम 70.2 लेंगे। थैंक यू।